उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के बीजेपी कितनी तैयार है और उन्हें क्या लगता है कि किस प्रकार से बीजेपी सत्ता में कितने मजबूती से वापसी करेगी। वाजपेयी जी, जो 2014 का चुनाव आपने लड़ा था अध्यक्ष रहते हुए और 73 सीटें आपने जीती, इस बार कितनी जीतेगी पार्टी और क्या अनुमान है, और 14 और अभी 2019 के चुनाव में आपको क्या अंतर दिख रहा है? कार्यकर्ता के नाते तो मेरी अपेक्षा है कि पिछली बार 73 तो इस बार 80, विपक्षी दलों को पैर रखने का स्थान न मिले, इस संकल्प के साथ भाजपा को कार्यकर्ताओं को काम करना और करेंगे। 2014 के चुनाव में और इस चुनाव में केवल इतना अंतर है कि पिछली बार माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उत्तर प्रदेश के देश के लोकसभा के चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे, इस बार वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में और अपने द्वारा किए गए जनहित के विकास कार्यों के आधार पर वो जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने जाएंगे और मोदी जी की सरकार के जितने काम हैं उससे मुझे ऐसा आभास लगता है कि अंततोगत्वा मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा और सरकार दोबारा बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। योगी दल है, पार्टी के सहयोगी दल हैं, वो लोग भी खासकर यूपी बीजेपी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको पार्टी कैसे हल करेगी? जिन लोगों को भी किसी प्रकार की यदि कठिनाई है तो उनको उचित स्तर पर बात करनी चाहिए और मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात में सक्षम है कि वो इन सब प्रकार की समस्याओं से पार पाएगा और पार पाने के बाद, क्योंकि घर के भीतर की बात है, 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा बनाने के संकल्प के साथ लड़ेगा। 2019 जनता, देश की जनता 19 में बीजेपी को या मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री क्यों बनाए? सबसे पहली बात तो ये है कि 2019 के चुनाव में और 14 के चुनाव के बीच में भारत सरकार के किसी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और उससे पहले की दो यूपीए की सरकार, यूपीए वन और यूपीए की टू, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी रही, ये देश की जनता को पता है। इसलिए राष्ट्र का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर मोदी जी ने जिस प्रकार भारत राष्ट्र को स्थापित किया है उसके कारण जनता केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी को विकल्प नहीं मानती, इसलिए निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन यानी एनडीए जीत कराएगा। एक व्यक्तिगत सवाल, आगामी जो चुनाव है उसमें आप अपनी भूमिका कहां पा रहे हैं? कार्यकर्ता के नाते मेरी भूमिका स्पष्ट है, पार्टी का जहां मेरी जिम्मेदारी लगाएगी वहां जाकर काम करना और काम का परिणाम अनुकूल लाना, ये मेरी क्षमता है और पार्टी जो मुझे आदेश करेगी उसका पालन करूंगा। अभी भी पार्टी ने मुझको जिन जिलों में भेजा उन जिलों में लोकसभा की बैठक लेकर आया हूं और जो मुझे महसूस हुआ मैंने पार्टी को बताया है। ये थे हमारे साथ वाजपेयी जी, जो यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो संघर्षशील नेता के तौर पर इनकी ख्याति है और यहाँ बीजेपी को जिताने में जो 2014 का चुनाव था उसमें उन्होंने एक महती भूमिका अदा की थी और इस बार आगामी चुनाव को लेकर के वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बीजेपी फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में काबिज होगी। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ईटीवी।